हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन बार बार आते होंगे या जो क्वेश्चन आपने बार बार पूछे हैं, उनका मैं सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप ऑनलाइन अन अकेडमी पर पढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर है और स्क्रीन पर भी आप कांटेक्ट नंबर देख सकते हैं। डेमो चले हुए हैं, बड़े आराम से आप टीच कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं। तो साथियों, बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है, सबसे पहले गेस्ट टीचर्स के बारे में, क्योंकि अभी एक मुद्दा चला हुआ है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं 25,000 के अराउंड जो गेस्ट टीचर्स हैं, तो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये परमानेंट हो जाएंगे। तो देखिए, ये अभी कोर्ट तय करेगा कि क्या होता है। हालांकि मैं आपको अपने कुछ शब्दों में बात बताना चाहता हूं। देखो, मेरी किसी से ऐसे नहीं कि कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे साथी हैं, आप सभी साथी हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट की कुछ गलत पॉलिसीज होती हैं। अभी कल मुझे एक बात सुनने को मिली थी कि जो गवर्नमेंट है उनको गेस्ट टीचर से बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बात करें काम कराने की तो इनसे काम भी लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा काम लिया जाता है। इसके बाद जो बात की जाए सैलरी की, सैलरी जो परमानेंट है, जो रेगुलर टीचर्स हैं उनसे कम होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब एक बात बताइए आप, एक काम 30,000 में हो रहा है, एक काम करवाने के लिए 45-50 हज़ार चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी? तो ये कुछ पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देख रही है, बच्चों का जो फ्यूचर है वो नहीं देख रही। और जो ये गेस्ट टीचर्स हैं, इनमें भी काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो क्वालिफाइड भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अनक्वालिफाइड है, लेकिन जो अनक्वालिफाइड है वो तो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब सिस्टम ये हो गया है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, एसटेट सीटेट छोड़ के आप क्या करें, गेस्ट टीचर लगें और बाद में क्या करें, धरना दें और पक्के हो जाओ। एसटेट सीटेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं, क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग है फाइनल, वो कब तक हो सकती है? साथियों, फाइनल ज्वाइनिंग आप कम से कम जून जुलाई तक मान के चलें, जून या जुलाई तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मीन्स आपको जो स्कूल में ज्वाइनिंग दे दी जाए वो बहुत बड़ी बात है, जून जुलाई तक। इसके बाद क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो न्यू वैकेंसीज है, न्यू रिक्रूटमेंट है, वो कब तक आ सकती हैं? तो साथियों, न्यू रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो न्यू रिक्रूटमेंट का जो ये वैकेंसीज क्लियर होने के कुछ टाइम बाद ही आपको न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती हैं। आप समझे, जुलाई अगस्त के अराउंड आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी, उसके कुछ टाइम बाद आपको एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा टारगेट होगा कि वैकेंसीज तो आए लेकिन वो ज्यादा आए, क्योंकि दिल्ली के अंदर वैकेंसीज काफी वैकेंट हैं, जो सीट्स हैं काफी वैकेंट हैं। ऐसा नहीं है टीचर्स बहुत कम हैं, आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप देखेंगे जाके, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं लेकिन टीचर्स नहीं है इतने। जो गवर्नमेंट का रूल है, जो गवर्नमेंट का रेशियो है, उस अकॉर्डिंग टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके बारे में जल्द ही कोई डिसाइड किया जाएगा, कुछ स्टेप लिया जाएगा। तो सबसे पहले अभी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद साथियों, एक और पॉइंट आता है हमारे पास कि जो ओबीसी हैं अदर स्टेट्स के, क्या वो ओबीसी में काउंट होंगे? नहीं होंगे। अदर स्टेट्स के एससी, ऑल इंडिया, वो एससी में काउंट होंगे, और जो अदर स्टेट्स के ओबीसी हैं वो जनरल में काउंट होंगे। दिल्ली के अंदर दिल्ली के ओबीसी ही ओबीसी में काउंट होंगे, और जो एसटी हैं वो भी काउंट होंगे, मतलब अदर स्टेट्स के एसटी एसटी में काउंट होंगे दिल्ली के अंदर। तो साथियों, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, वो मैं आपको बता देता हूं। अब बात आती है सी टेट की, तो कुछ कैंडिडेट्स का जो सी टेट है वो ओबीसी से है और कम मार्क्स से क्वालिफाई है, जैसे अदर स्टेट के हैं। हालांकि जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं उनका जो सी टैट होना चाहिए वो 90 मार्क्स पे होना चाहिए, 90 मार्क्स अगर उनके हैं तो वो काउंट किया जाएगा।
और इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं जो मैं नहीं बता पाया आप लोगों को, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ाना चाहते हैं तो जरूर जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको बता देता हूँ बड़े आराम से आप पढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, पेज में मैटर लिखना है, उनकी ऐप में जाके वो पेज समझाना है घर बैठे किसी भी टाइम, कोई टाइम टेबल की भी बाउंडेशन नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आपको फेस दिखाना, अगर आप फेस दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, अगर आपको फेस नहीं दिखाना तो आप बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।